9 वोल्ट की या एसी होगी बैटरी। अब इसको नाम दे सकते हैं बैटरी फ्यूल कॉज, बैटरी फ्यूल कॉज आईसी। तो नंबरिंग डाल देते हैं सबसे पहले, नंबरिंग ओके। इसमें सबसे पहले ग्राउंड बताते हैं, तो इसमें जो सबसे पहले जो ग्राउंड है वो हमारा B2 ग्राउंड होगा। अगर हम इसमें सबसे पहले ग्राउंड बताएंगे, मैं पहले इसको पूरा बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से। जो ये मेन कोड रजिस्टर लगा हुआ है, ये जो रजिस्टर आपको दिख रहा है, ये आपका जो लगा हुआ है R010, ये है C1 और C2 के बीच में बेसिकली, और जो जुड़ा होगा आपका यहाँ पर BQIC से, जो यहाँ पर 4 वोल्ट आपको सप्लाई दे रहा है। और ये एक हाई वैल्यू रजिस्टर के साथ 1.8 वोल्टेज पावर से आते हैं और ये सप्लाई भी पावर में जाती है। इसके साथ जो I2C लाइन होती है वो 2 यहाँ पर है, एक है आपका SDA, यहाँ पर नोट्स उन्होंने हमको भेजे हुए हैं जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं PCB की डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हम यहाँ पर लेते हैं उनके साथ में। और हम इस तरीके, ये देखिए स्टेप स्टेप टू स्टेप यहाँ पर ये लोग सारी चीज़ यहाँ पर करते हैं। ये देखिए इस तरह के ये सर्किट डायग्राम देखिए, ये हमारे स्टूडेंट बना के भेजते हैं। और ये बना के भेज इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है यहाँ पर और काफी डीपली में जाकर इन्होंने सीखा हुआ है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? हाँ भी लगा कि प्रॉपर में आप, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव नगरवाल, आप देख रहे हैं इसी टेलीकॉम आपका चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने भी ऐसी मास्क लगाया होगा, सेफ रह रहे होंगे जैसे कि मैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये एक पुराना फॉल्ट है फिर भी आजकल के मोबाइलों में आता है जनरली। क्या कि जब हम देखो, इसमें बेसिकली 2-3 फॉल्ट बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक फॉल्ट बताता हूँ एंड्रॉयड में, कि इस फोन में ये कुछ देर ऑन होने के बाद उसके बाद ये ऑटो शट डाउन हो जाता है। एक मैसेज आता है इसका ऑटो शट डाउन का, उसके बाद ये बंद हो जाता है। फिर अगर इसमें बात करें और भी क्या फॉल्ट बन सकते हैं, इसमें वो फॉल्ट बन सकता है कि चार्जर लगाने के बाद ही ऑन होगा। चार्जर लगाने अगर डायरेक्ट BWT से ऑन करेंगे तो नहीं होगा। ये आप देख रहे होंगे कि मार्केट में इसके सोल्यूशंस नहीं है क्योंकि लोगों को सर्किट का नॉलेज नहीं है, उनको सिर्फ IC निकालना लगाना आता है या सिर्फ वो वही सिखा रहे हैं। तो ये मैं हटा देता हूँ, ये मैंने इसलिए लगाया था कि अगर हम नहीं लगाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि जब ये सीनियर लोग नहीं लगा रहे तो हम क्यों लगाएं। मैं कहता हूँ कि घर पे भी बैठे हैं अगर हम लोगों से बात कर रहे हैं तो आप अगर मास्क पहन सकते हैं तो उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि जितना हो सकता है सोशल डिस्टेंस बना के चलना है। और ये सोशल डिस्टेंस घर पे भी रखिए, कम से कम 1 फीट 2 फीट की दूरी पर हमेशा किसी भी जन के साथ बैठिए, 1-2 या 2 फीट की दूरी के साथ बैठिए। सिर्फ कुछ दिनों तक है, 14 तारीख तक है और 14 तारीख के बाद सभी रिलीफ हो जाएंगे जिस तरह से, क्योंकि इतने जो कोरोना के इफेक्टिव जो केस आए हैं वो बहुत, अब जो पॉजिटिव थे वो अब जो पॉजिटिव थे वो अब नेगेटिव होते जा रहे हैं और बेसिकली लोग ठीक हो रहे हैं, क्योंकि हम सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज ऐसे कोरोना के जो वायरस लोगों में पाए गए हैं वो सेकेंड स्टेज के नहीं है, वो प्राइमरी स्टेज के, जो कि नॉर्मली ठीक हो रहे हैं। तो चलिए ये सब बातें नहीं करना है, बातें करना है मोबाइल रिपेयरिंग की। और यहाँ पर आपको बताएंगे सर्किट इसका, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने IC को पूरा डिजाइन करके बताया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा सर्किट डिटेलिंग में बताया है। बैटरी फ्यूल कॉज IC जो कि पूरे यूट्यूब में आपको कभी कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, इस वीडियो पर बाईपासिंग वीडियो बने हैं, इस वीडियो पर और भी वीडियो बने होंगे बट उसमें कुछ बताया नहीं गया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ लिए उठाए बनाए वाली बात है। मैं आपको इसका पूरा IC का डिटेलिंग, उसके सारे बॉल जैसे कि पिछले सर्किट में आपने देखा होगा ग्राफिक्स IC को किस तरह से मैंने डिटेलिंग की, मैं अपनी क्लास में हर तरह से ऐसे ही रिंगर IC हो गई, ग्राफिक्स IC हो गई और भी कई तरह चार्जिंग IC, कई सारे सेक्शन हो गए। लोग सिर्फ BQIC को सिर्फ निकालना लगाना जानते हैं, उसके एक एक पिन के बारे में उनको डिटेलिंग नहीं है, ये भी हम बताते हैं बट क्लास में। फिलहाल अभी हम इस सर्किट की बात करते हैं, अभी सर्किट में फॉल्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ
बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होंगे सर हमारा 28 जो मार्च का बैच था, खैर वो तो लैप्स हो ही गया, और अभी हमारा जो बैच हो सकता है अगर 14 तारीख के बाद जो भी सरकार के नियम रहे अगर पूरी तरीके से खुल जाएगा तो 28 अप्रैल का बैच हमारा कंटिन्यू रहेगा, और जो मार्च के स्टूडेंट हैं उनको हम 28 मई में सबसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पर मैंने इस फोन को ऑन किया हुआ है। ये जनरली बैटरी जो फ्यूल को आज ऐसी होती है ये क्या काम करती है, ये बेसिकली ये टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, या ये बैटरी की एक तरह से एक सेकेंडरी आईसी है जो कि पावर आईसी से पहले लगी होती है, जो कि बीवेट पर भी इसकी सप्लाई होती है। अगर ये आईसी पर पानी चला गया या ये हीट हो रही है या ये खराब हो गई या गिरने की वजह से लूज हो गई तो आपका डायरेक्ट चार्जिंग पे ही ऑन होगा, या तो हम बात करें यहाँ पर कुछ देर अगर इसका जो टेम्परेचर का सर्किट होता है वो इसी आईसी में जाता है। देखिएगा यहाँ पर मैंने फोन को नॉर्मली ऑन किया हुआ है, देखिएगा फोन को नॉर्मली ऑन किया हुआ है, कुछ देर तक मैं चलाऊंगा इसको, ये देखिए यहाँ तो फोन ही बंद हो गया अपना थोड़ी देर बाद। सो जनरली ऐसे केसों में कई बार ऐसा होता है कि पूरा की पूरा ऑफ हो गया है, मतलब फोन चालू हो रहा है और कुछ देर बाद जाके बंद हो जा रहा है। अच्छा इसमें एक केस और आता है कि एक ऑटो शटडाउन का मैसेज भी आता है, तो वो भी आपको अब मिल सकता है। तो बेसिकली ये सब सारी चीज़ें इसको कैसे हम इसको सोल्यूशन करें, तो ये अगर आपको देखना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखो कुछ भी मत छोड़ना क्योंकि ये क्लास जैसा है, मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी हाइट नहीं रख रहा हूँ। मैं आप बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि इतना सब कुछ ओपन मत करो, बट ये कुछ ओपन करने लायक नहीं है, ये छोटी सी बूंद है सागर की, छोटी सी बूंद, क्योंकि अगर आप सागर में डुबकी मारोगे तो आपको उतना मिलेगा जितना आप सोच नहीं पा रहे। तो देखिए जैसे कि ये हालात है फोन के, तो इस फोन में क्या हम कर सकते हैं, तो ये जो बैटरी फ्यूल को आज आईसी है इसको हम कैसे चेक करें, मैं इसको पहले हम इसके आईसी के पास के जीआर फिर आईसी के जीआर चेक करेंगे, और अगर जीआर हमारे मैच करते हैं सही होते हैं अकॉर्डिंग टू अगर सर्किट सही होते हैं तो फिर हम आईसी पे काम करेंगे, और ये अगर ये आईसी पर भी काम नहीं हुआ तो फिर पावर आईसी पे काम करना पड़ेगा। और जिन फोनों में ये आईसी नहीं होगी, और ये जो 9 वोल्ट की एक आईसी होती है बैटरी कॉस्ट फ्यूल आईसी, जिन फोनों में ये आईसी नहीं होगी उसमें ये जो सर्किट होगा वो पावर आईसी के अंदर होगा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एक कौन सा आईसी या सर्किट में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्यों मैं उस सर्किट तक पहुंचा। तो ये सारी चीज देखने के लिए जुड़े रहे चैनल से, और सब्सक्राइब कभी नहीं बोलते हम, अब बोलना पड़ रहा है भैया मेरे, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, लाइक भी नहीं करते यार, इतना जो कंटेंट डालते हैं हम लोग, इतना मेहनत करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दो। और अगर मेरे को पर्सनल जानना है तो मेरे देवतन अग्रवाल यूट्यूब चैनल में जाओ, पर्सनल देखो, वहाँ पर कुछ ब्लॉगिंग शुरू की है अपने लिए। बाकी अगर आपको ज्वाइन करना है तो डेली कॉल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉलिंग सिस्टम बंद नहीं किया गया है, हमारे कॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग काम करते हैं, और वो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, और आप बिल्कुल उनको कॉल करेंगे तो वो इंशाल्लाह आपका कॉल उठाएंगे और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या हम सीख सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर लगा के रखा हुआ है आपको यहाँ पर, और मे बी हो सकता है कि दिखाई दे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ अकेला मैं हूँ, नहीं तो मैं किसी को मोबाइल पकड़ा देता, ये एक्चुअली मोबाइल से स्क्रीन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा सेक्शन दिखाई दे रहा है, पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करके आपको डिटेलिंग में थोड़ा सा नीचे समझा देता हूँ कि किस आईसी पे मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर ये बीक्यू आईसी है, और इसके पास में यहाँ पर एक हमें कोड रजिस्टर दिख रहा है यहाँ पर, उसके बगल में ये नौ बोल की फ्यूल कोड आईसी है। अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, ये देखिए ये है 9 बोल की फ्यूल कॉज आईसी, यहाँ पर इसको सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, इसके आसपास के सारे कंपोनेंट। तो बेसिकली मोबाइल रिपेयरिंग में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको सारी चीज आनी चाहिए, हमको सब सर्किटों का नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों मैं सच बताऊँ, सबसे बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग EMMC सीख रहे हैं, लोग यहाँ वहाँ के कोर्स तो कर रहे हैं, बट मेन बेसिक उनका क्लियर नहीं है। आपको कंपोनेंट ही पूरा नॉलेज है, हम बोलते हैं सर स्कीमेटिक रीड करते नहीं आता है, कैसे पढ़े क्या पढ़े, पर जब तक आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी आप उस चीज़ को कभी भी डायरेक्ट समझ नहीं सकते। चलो देखो कि किस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको। तो जैसे कि आप मल्टीमीटर देख रहे होंगे, सेटअप आपके लिए ही बनाया है, ऐसे में मल्टीमीटर को रखता नहीं हूँ कभी। ये हमने यहाँ पे इसको बीप मोड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो
आईसी है बेसिकली, ये आईसी है बैटरी फ्यूल कॉज आईसी। ये इसका जो नंबर चालू होता है वो BQ, ये बेसिकली इस पर भी BQ लिखा होता है। मैं आपको दिखा तो देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हल्का सा, देखिए BQ27426 ये करके ये आईसी का नंबर है। अगर आप गूगल करेंगे आईसी को तो आपको ये आईसी मिल जाएगी। तो बैटरी फ्यूल कॉज, मैं इसका पूरा सर्किट आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर तो बेसिकली कैसे मैं इस आईसी पे गया, क्योंकि फॉल्ट आ रहा था बैटरी टेम्परेचर को लेके। पहले इस मोबाइल में मैसेज आ रहा था बैटरी लो टेम्परेचर, और बैटरी लो टेम्परेचर जो फॉल्ट होता है वो हमारे इस बैटरी कनेक्टर से रिलेटेड होता है, क्योंकि इस बैटरी कनेक्टर पे हमारे एक बी बैट की सप्लाई होती है, एक BSI, एक BTEMP। BSI मतलब बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, और BTEMP मतलब बैटरी टेम्परेचर कंट्रोल सर्किट यूनिट, जिसको बैटरी कॉज फ्यूल भी कहा जा सकता है। और ये आपका होता है ग्राउंड। ग्राउंड भी हमारे फोन में डायरेक्ट ग्राउंड नहीं होता है, कई बार आपने देखा होगा कईयों के फोन में ग्राउंड नहीं आते, तो रीजन उसका अलग होता है, क्योंकि पावर आईसी, ग्राउंड भी पावर आईसी से जुड़ा रहता है। सर्किट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ वैल्यू चेक करते हैं। देखिए ये हमें ग्राउंड है, ये हमारा BBAT आ रहा है, यहाँ हम ये हमारा BSI जा रहा है, और ये हमारा BTEMP जा रहा है। तो अब बात करते हैं, अच्छा रीडिंग सब पे आ रही है, कोई भी चीज ऊपर नहीं है यहाँ पर। सो अगर मैं इसका, ये टेस्टिंग पॉइंट हो गया, ये इसका टेस्टिंग पॉइंट है, मैंने यहाँ रखा। अब इसकी ट्रेसिंग करते हैं कि बेसिकली लो टेम्परेचर का फॉल्ट आ रहा है, तो हमको लो टेम्परेचर को जज करना चाहिए। देखिए कुछ भी डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है, अगर आप लो टेम्परेचर में रहकर उसको जज करेंगे तो आपको चीजों को नॉलेज मिलेगा। सो मैंने यहाँ रखकर इसके आसपास मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ कि मुझे कहाँ पर मिल सकता है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, देखो मुझे ग्राउंड के साथ में टच नहीं हो रहा है, नोटिस कर रहे हैं आप, ये देखिए इसको बोर्ड से निकाल के मैं आपको, चलिए ठीक है अब हमारे लिए क्लियर है। अब इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हम, देखिए ग्राउंड के साथ में नहीं है ये, तो देखिए सबसे पहले इसके साथ में डायोड मिला है हमको, और यहां हम देखेंगे, ठीक है पैलेट एक डायोड है हमारे पास। सो ये डायोड एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम कि डायोड सही है कि खराब है। ओके तो डायोड, ओके तो डायोड हमारा बिल्कुल सही है। अब डायोड की टेस्टिंग हो गई है, डायोड को हम और भी तरीके हैं इसको टेस्ट करने के, जो मैं क्लास में आपको बताऊंगा। आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद में मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब यहाँ से हम देखो इसकी जो लाइन है, और हम चेक करते हैं कि और हमारे को यहाँ पर क्या मिल सकता है ट्रेसिंग के लिए। बेसिकली देखो ये BQIC है, तो देखो यहाँ पर एक 0 ओम, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, दोनों ओर बीप इसलिए आ रही है क्योंकि ये लो वैल्यू रजिस्टर है, 0 ओम का रजिस्टर है। तो यहाँ पर एक 0, हालांकि ये सर्किट मुझे नॉलेजेबल है, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पहुंचा। तो अब मैं यहाँ से यहाँ पहुंच गया हूँ। तो ये है मेरी BQ बैटरी फ्यूल कॉज IC, जिसका सर्किट मुझे आपको बताना है। और क्योंकि बैटरी टेम्परेचर का एरर है, फोन कुछ देर बाद बंद हो जा रहा है, ऑटो बंद हो जा रहा है, या फिर बैटरी सिर्फ BBAT से चली, तो BBAT से चलती तो मैं BBAT को ट्रेस करता, बट अभी सिर्फ क्योंकि बैटरी टेम्परेचर वाला सर्किट का फॉल्ट है, सो इसलिए मैंने BTEMP को मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। अगर बैटरी एरर तो मैं BSI को भी यहाँ पर ट्रेस कर सकता। सो ट्रेसिंग से पता चलता है कि ये सर्किट यहाँ जा रहा है, यहाँ से इस BQIC पे जा रहा है। तो सबसे पहले BQIC का आउटपुट चेक करेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है दोस्तों, सीरीज में लगा हुआ है।
देखिए ये आईसी मैंने निकाल दी है, तो दोस्तों यहाँ पर दे रहे हैं जैसे कि देखा, और यहाँ पर हमने इस आईसी को निकाला है, और क्योंकि इस आईसी के आसपास सारी वैल्यू सही आ रही थी, तो जो फॉल्ट बन रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इस आईसी का फॉल्ट है। समझाने का आज प्रॉपर उद्देश्य भी यही है, लोग इस आईसी को बाईपास भी कर रहे हैं। मैं आपको बाईपासिंग भी बताऊंगा कि अगर मान लो ये आईसी आती भी है और अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसको कैसे बाईपास करेंगे। तो देखिए अगर हम इस आईसी की बात करें तो इस आईसी का जो सर्किट बनेगा नौ वोल्ट की आईसी होगी, बैटरी आप इसको नाम दे सकते हैं बैटरी फ्यूल कॉज, बैटरी फ्यूल कॉज आईसी। तो नंबरिंग डाल देते हैं सबसे पहले, ओके। इसमें सबसे पहले ग्राउंड बताते हैं, तो इसमें जो सबसे पहले जो ग्राउंड है वो हमारा B2 ग्राउंड होगा। अगर हम इसमें सबसे पहले ग्राउंड बताएंगे, मैं पहले इसको पूरा बना देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से। जो ये मेन कोड रजिस्टर लगा हुआ है, ये जो रजिस्टर आपको दिख रहा है, ये आपका जो लगा हुआ है R010, ये है C1 और C2 के बीच में बेसिकली, और जो जुड़ा होगा आपका यहाँ पर BQIC से, जो यहाँ पर 4 वोल्ट आपको सप्लाई दे रहा है, और यही वाला C1 आपको जो जा रहा है वो जा रहा है आपके प्लस BVAT पर, ओके। यही C1 आपके प्लस BVAT पर जा रहा है, और अगर ये कोड रजिस्टर निकल गया, अगर मान लो मैं ये कोड रजिस्टर निकाल देता हूँ सर्किट से, तो आपका फोन ऑन होगा ही नहीं, सिर्फ चार्जर पे ऑन होगा। आप समझ रहे हैं, सिर्फ चार्जर पे आपका फोन ऑन होगा अगर ये वाला मैं कोड रजिस्टर निकाल देता हूँ। तो अब बात करते हैं, B2 मेरा ग्राउंड है, ये मैंने सर्किट बनाया है, यहाँ से 4 वोल्ट इस तरह से जाता है, और जो B1 है दोस्तों वो एक सीरीज में 0 ओम का रजिस्टर होता है जो जाता है B10 से, ठीक है। जिधर एक हमने एक डायोड भी देखा था इसमें, और इसमें एक हाई वैल्यू रजिस्टर होता है जो जाता है VDD गॉज, और ये VDD कॉज आपका है B3, ओके। A1 की जो सप्लाई होती है, ये सप्लाई बिन की सप्लाई है एक आपकी, इसको आप बोलते हैं GP आउट सप्लाई, आप हम इसको GP आउट सप्लाई बोलते हैं। इस सप्लाई में एक हाई वैल्यू रजिस्टर के साथ 1.8 वोल्टेज पावर से आते हैं, और ये सप्लाई भी पावर में जाती है। इसके साथ जो I2C लाइन होती है वो 2 यहां पर है, एक है आपका SDA और एक है आपका XCL, ये I2C लाइन है। तो बेसिकली, और ये जो C3 है आपका, ये भी BVAT है, ओके। इधर भी आपका एक पैलर में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये जो एक कैपेसिटर यहां होगा ये C3 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, यहाँ पर आपका कोर रजिस्टर लगा हुआ है, ये आपका ग्राउंड है बीच वाला, ये ए। सबसे पहले तो इसके हम GR सारे चेक कर लेंगे, फिर बाद में क्योंकि हमने ICO के रीडिंग चेक कर लिया, अब हम GR चेक करेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीज चेक करने के बाद अगर हमें सही मिलता है तो हम ये ICO को फिर से रिवॉल्व करके लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह से देख रहे थे कि एक बॉल यहाँ पर ड्राई सोल्ड है, तो उससे हो सकता है कि सर्किट ना बने, या तो एक बॉल उठा हुआ है, जो भी है हम इसको फिर से ICO को लगा के एक बार अच्छे से देख लेंगे और देखेंगे कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो बेसिकली ये सर्किट है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, और डिटेल में समझना है तो क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो इस सर्किट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, लोग जो जंपर करते हैं वो करते हैं A1 और B1 और A3 और B3। इस बात के लिए मुझे लाइक चाहिए इस वीडियो में, सब्सक्राइब दे दो, लाइक दे दो, और प्लीज शेयर करो जितना हो सकता है। देखिए हमने भी सोल्यूशन ओपन किए हैं, तो आप भी प्लीज ओपन करो, शेयर करो ये वीडियो, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाइए, जितना है आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आप उस पर पहुंचाइए, तो जितना पॉसिबली आपके ग्रुप तक पहुंच सकता है तो प्लीज शेयर कीजिए। तो आपको अगर जंपर मारना A1 B1 और A2 और B3 से अगर आप जंपर मार देंगे तो फोन चालू हो जाएगा,
बट इसमें बैटरी का सिंबल नहीं दिखाई देगा और ये डायरेक्ट नॉर्मली ऑन होगा, पर इसमें बैटरी का सिंबल मतलब जो चार्जिंग स्टेटस है वो आपको हाइड हो जाएगा और 100% बैटरी दिखाई देगी। तो खैर अभी हम ये करके नहीं दिखा रहे, अभी हम इस आईसी को वापस लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा सर्किट सही होता है कि नहीं। आईसी है, अगर आप गलत तरीके से इसको लगा देंगे ना तो इसमें I2C लाइन है, ध्यान रखना। अगर ये शॉर्ट हो गया तो आपका फोन भी डेड हो सकता है, पावर भी जा सकता है।
तो ऐसी बिठा दी गई है, जैसे देखा कि नोज कट पॉइंट ऊपर नीचे लगाएंगे, आई टू सी लाइन होती है। अगर आई टू सी लाइन के बारे में नहीं पता तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना ही बेकार है, क्योंकि आईसीओ पर सिर्फ चालू करके पावर लगा देने का और उसको चालू करना ये कोई जॉब नहीं होता दोस्तों। सिर्फ सीपीयू लगा देना ये कोई जॉब नहीं होता है, ठीक है। चेकिंग बाय मल्टीमीटर अगेन, ओके बीप मोड, ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, ओके। तो दोस्तों हमने आईसी लगा ली है, तो चलिए देखते हैं कि अब इसमें ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं बता दूं, आई होप कि आपको बैटरी कॉच, बैटरी फ्यूल कॉच आईसी के बारे में डिटेलिंग मिल गई हो। अगर आपके फ़ोन में ऐसा कुछ एरर आ रहा है बैटरी टेम्परेचर को लेके, तो ये थर्मिस्टर का तो प्रॉब्लम है ही है, उसके साथ में लगा हुआ जो बैटरी फ्यूल कॉच आईसी है। अब आप ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो बैटरी फ्यूल कॉच आईसी है ये कहाँ लगी है। अगर हम बात करें ये बैटरी फ्यूल कॉच आईसी, अगर हम बात करें ये बैटरी फ्यूल कॉच आईसी हमारे मोबाइल फ़ोन में नहीं लगी है, तो ये फिर कहाँ दूसरे किसी सेक्शन में लगी हो सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया होगा वीडियो के शुरू में कहाँ लगी है, अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो वीडियो शुरू से देखिए, क्योंकि मैंने बोला था कि वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, और बेसिकली लोग सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कैसे हुआ, पर अगर आप पूरी चीज़ें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर मैंने हम अपने सर्किट को समझ जिस तरह से समझा, आई होप कि आपको अच्छा लगा जिस तरह से मैंने पूरे सर्किट को समझाया किस तरीके से इसकी आईसी में आई टू सी लाइन जाती है, किस तरीके से हमें कहाँ काम करना चाहिए, कैसे हम बेसिकली चेक करें। ट्रेसिंग मैंने यहाँ पे आपको बताई कि किस तरह से मैं बीवेट से उस आईसी तक पहुँचा, और कॉम्पोनेंट चेकिंग हमें आना चाहिए, ट्रेसिंग हमें आना चाहिए, सप्लाई का नॉलेज हमें आना चाहिए, आईसीओ के अंदर की जानकारी हमें आना चाहिए, हमें रीडिंग वैल्यू जीआर सब निकालते हुए आना चाहिए। हम ये देखिए हमारा फोन परफेक्टली तरीके से ऑन हो गया है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको चार्जिंग का स्टेटस भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं ये आईसी निकाल देता और इसको बाईपास कर देता तो होता है क्या कि इसमें ये चार्जिंग का स्टेटस वैसे क्रॉस बंद कराता, और जब भी हम चार्जर लगाते तो 100% फुल बताता, तो ये रीज़न हो सकता है। तो यहाँ तो देखिए मैं इसमें चार्जर लगा के भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये पीछे एक्चुअली यहाँ से नीचे से हिल रहा है, देखिए चार्जर लगा के भी देख, तो यहाँ पे चार्ज भी हो रहा है फोन, और किस तरीके से यहाँ पे बैटरी फ्यूल कॉच को बताया। ये रहा इसका सर्किट, ओके ये रहा इसका सर्किट। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको बाकी में सर्किट समझना है और ये देखना है कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे सप्लाइयों को बताया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना हो सकता है इस वीडियो को फैलाइए, और जब हमारी क्लासेस ओपन होंगी तो क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और डीपी में समझिए, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग ये आपका बिजनेस है, ये द सोर्स ऑफ मनी है। अब अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करेंगे तो सोर्स ऑफ मनी भी आपकी उतनी सही तरीके से आपको नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं। घर पर बैठे रहिए, पर सिर्फ घर पर मत बैठे रहिए, काम कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ और जैसे मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो ग्रुप के बैचेस हैं, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए
आप लाइन से अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये देखिए आपको यहाँ पर, ये देखिए सारे ग्रुप में, ये देखिए ये सारे मैसेज, ये देखिए ये सब डिटेल, ये देखिए यहाँ पर वॉइस आपको जो हम जितना भी वॉइस से हम जो अपडेट करते हैं, अब वो EMC से हो गया, ये सारा आज की डेट का है जितना भी है। अब यहाँ देखेंगे, देखिए 10, 25, 16 यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सब तरह के डायग्राम, ये देखिए इस तरह से सर्किट डायग्राम स्टूडेंट हमको बनाकर भेजते हैं यहाँ पर। ये देखिए MTK, ये हमें सॉफ्टवेयर, ये देखिए यहाँ पर नोट्स उन्होंने हमको भेजे हुए हैं, जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं PCB की डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन के साथ हम यहाँ पर लेते हैं उनके साथ में। और हम इस तरीके, ये देखिए स्टेप टू स्टेप यहाँ पर ये लोग सारी चीज़ यहाँ पर करते हैं। ये देखिए इस तरह के ये सर्किट डायग्राम देखिए ये हमारे स्टूडेंट बना के भेजते हैं, और ये बना के भेज इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है यहाँ पर और काफ़ी डीपली में जाकर इन्होंने सीखा हुआ है। सिर्फ ICU पे काम करने वाले को मोबाइल रिपेयरिंग मेरे को नहीं लगता है कि कोई उसका ज़्यादा फ्यूचर है। और हाँ, EMC बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेड मोबाइल बनाने, मुझे लगता है EMC डेड मोबाइलों के लिए ज़्यादातर जरूरी होती है क्योंकि जनरली ISP से या फ्लैशिंग में जो आजकल के जो ICR या जो फ्लैश, तो वन टाइम भी फ्लैश नहीं हो रही या फिर जितने प्रकार के प्रोटेक्शन उस पर आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें EMC नॉलेज होना जरूरी है। बट अगर आप हार्डवेयर को भूल जाओगे तो आप आधे अधूरे टेक्नीशियन बनोगे, और आधे अधूरे टेक्नीशियंस आप खुद अपने अंदर भीतर आप सोचिए कि आप कितने पूरे हैं। और अगर आपको लगता है वाकई में पूरे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना, और अगर आपको लगता है कि आप अधूरे हैं तो क्लास ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। साथ में है 28 दिसंबर का बैच, और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए। 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि 5 दिनों में किस किस को IC रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए। यहाँ पर IC रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से CPU निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को। एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से CPU निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने एक से दो से एक ज्यादा बार किया है, जैसे किस किस ने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने चार बार किया, 5 बार, 6 बार, 3 बार, 6 बार किया, 5 बार, 3 बार किया, 4 बार, 6 बार, 2 बार, 2 बार। फिर अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड। 7 बार, वेरी गुड। 2 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। 6 बार किया आपने, 6 बार किया, 4 बार, 4 बार किया है, वेरी गुड। इसमें से 2 बार, तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है। सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है। सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हाथ उठाओ किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, आप सबको रिबॉलिंग आती है। यस सर भी बोलना है बात, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप नीचे के लिए आप किन किन ने वन टाइम CPU निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ, हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम CPU निकाल के, अब एक बार अपने नंबर बता देना अगर किन्होंने एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो कौन कौन ने ज्यादा किया है, एक बार नंबर बोल दो अपना। 8 बार बैठे रहकर, 8 बार किया तुमने। 3 बार सर, 3 बार, 2 बार, 2 बार, नंबर बोलते रहो। 2 बार सर, 2 बार, नंबर बोलते रहो बस। 14 बार सर, 14 बार, क्या बात कर रहे हो इतना। 2 बार किया, 2 बार किया, ये फेक तो नहीं बन रहा है, बताओ। 3 बार ऑन मोबाइल में, बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने रिबॉलिंग आती है, जिनको हाथ उठाइए, जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर, चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में CPU निकाल के उसको फिर से चालू किया, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया, यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की, 5 दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ, 30 दिन की क्लास है और आपने से 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया, आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। 5 बार आपने CPU निकाल के लगा के चालू किया। मैंने 6 बार, 6 बार, 5 बार, 6 बार, सर 5 बार, 7 बार, 2 बार, बोलते जाओ नंबर, बोलते जाओ। 5 बार, 4 बार, 2 बार, 6 बार, 5 बार, 5 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, 2 बार,
तो यहाँ पर आप लोग ने दो बार, तो चार बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा मुझे बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिसका हमने Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.